सरकारी जब कह रहे हैं कि वित्तीय अहमियत नहीं हुई है तो इसके ऊपर क्या है ये बताइए ना, मुझे बताइए इसके ऊपर भी कोई एजेंसी है जैसे लिख रहे हैं कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है तो बार बार इसको कहना वित्तीय अनियमितता हुई, कौन सा प्रश्न है। चमोली जिला पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी पर भ्रष्टाचार और जिला पंचायत के कार्य में दखल देने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने भी पत्रकार वार्ता की और इस दौरान विनोद नेगी और योगा से माल द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस समर्थित है और कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होगी और जिसकी जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जांच करते हुए इस पर कार्रवाई हो। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पर उपाध्यक्ष द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार नहीं हो सकते क्योंकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष सदन का सदस्य है, कहीं ना कहीं इन आरोपों में सत्यता होगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें हो सकता है सरकार इन्वॉल्व ना हो सकता, लेकिन हो सकता है हमारी सरकार के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन लोगों का पता चलना चाहिए कि जिन्होंने अगर उन्होंने सही काम किया है तो सरकार में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सिद्ध भी करना चाहिए और किसी के आरोप लगाने से ऐसे नहीं हो जाता कि उसने आरोप लगा दिए हैं और हो सकता उन पर हमारे तीनों विधायक हों चाहे उस समय के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री हों उन पर उन्होंने आरोप लगाए, ये पार्टी देखेगी और पार्टी में हमारा संगठन बहुत बड़ा है वो ये डिसाइड करेगा। वास्तव में अगर इसमें से सरकार को हम पूरी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार के कुछ लोग अगर उसमें इन्वॉल्व थे तो उनको चिन्हित करके सरकार स्वयं जो है कुछ कुछ इनको दंडित करे। ये हमने आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप सिद्ध हुए हैं और इन सिद्ध आरोपों को सरकार के संज्ञान में सरकार ने नोटिस दे रखा है। नोटिस का उन्होंने क्या जवाब दिया ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन इतना हमारा ये कहना है कि वो स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनको जाना चाहिए। उन्होंने जो उनको जो ताकत मिली है जिला पंचायत अध्यक्ष की, उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया। जो आरोप थे वो नंदा देवी राजा जब हुई थी तो उसके जो कार्य संपादन होने थे वो जिला पंचायत को दिए गए थे। जिला पंचायत के उसमें 64 टेंडर हुए थे, 64 टेंडरों में से 30 टेंडर ऐसे थे जिनको उन्होंने उनके द्वारा बेचा गया था और जो कमेटी थी सिलेक्शन कमेटी थी कमेटी ने तो अपने हिसाब से जो न्यूनतम दरों पे जो आई थी उसको दिया था, लेकिन उन्होंने उनको न देकर जिनसे पैसे लिए थे उनको टेंडर्स दिए थे। तो ये उस मामला था जो पद का दुरुपयोग है, जनप्रतिनिधि कानून की धारा का दुरुपयोग है। वही मामले में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने भी पत्रकार वार्ता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के समर्थन में बात रखी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगे सभी आरोप गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कोरोना काल के दौरान हो या अपनी विवेकाधीन निधि को पूरे चमोली जिले में समान रूप से खर्च की है। सभी सदस्यों को नियम के अनुसार राशि वितरण की गई है और सभी क्षेत्रों के विकास का ख्याल रखा गया है। देखो जी, जो भ्रष्ट होता है वो दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो माननीय उपाध्यक्ष जी खुद भ्रष्ट हैं और हमारे पास उनका पूरा काला तथ्य है, तो उपाध्यक्ष जी जल्दी हम जिला पंचायत के कुर्सी से उनको भी उतारेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने भी पत्रकारों के सामने उन पर लगे आरोपों को लेकर अपनी सफाई दी। अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि उपाध्यक्ष जिला पंचायत लक्ष्मण रावत द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत है और जितने भी आरोप लगे हैं उनको अगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष सिद्ध कर पाते हैं तो वे हर सजा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि विगत 4 वर्षों से देहरादून में लक्ष्मण रावत उनके फ्लैट में किराए पर रहते हैं और 4 वर्ष से उन्होंने कोई भी किराए का भुगतान नहीं किया, जिसको लेकर उनके द्वारा लीगल नोटिस लक्ष्मण को दिया गया और इस मामले को जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण रावत द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा का मोहरा बनकर राजेंद्र भंडारी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और केवल 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसी पे झूठा आरोप लगाना, हम भी कह सकते हैं कि कोई आरोप लगाना कोई ये नहीं हो कि
वो टाइल्स लगा रहे, वो ये कर रहे, आज तक भी सदन में हो आए, उन्होंने सदन में क्यों नहीं उठाई ये बात, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, यहाँ ये हो रहा, यहाँ वित्तीय अनियमित हो रही, यहाँ हर काम नियम के अनुसार हुआ। हमने जिला पंचायत एक पेन भी ली होगी, उस पर भी नियम अनुसार टेंडर करेंगे। जो कोरोना की सामग्री की बात माननीय उपाध्यक्ष जी कर रहे, आप सबको पता, सबसे पहले सामान माननीय उपाध्यक्ष जी लेंगे, उसके बाद शासन से आया। हमने तो जो ओपन राष्ट्रीय जो सहारा है, जो पेपर है, उनमें ओपन टाइम विज्ञप्ति निकाली, और उसमें जो ओपन विज्ञप्ति निकाली, फिर उसके बाद टेंडर हुआ। उसके बाद कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी, ये तो सामान बांटा गया, इसमें कोई वो वित्तीय अनियमितता नहीं, आप देख लीजिए, और ये झूठे मूठे आरोप। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का कहना है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने उनके फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है, और जिला पंचायत के कार्यों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं और उनका इनमें कोई भी दखल नहीं होता। नंदा देवी राजरात यात्रा के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं को लेकर लगाए गए आरोप में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट और जिले के स्तर पर जांच कमेटी द्वारा उन्हें क्लीन चिट दी गई है, इसके बावजूद भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर सता रहा है, जिसके लिए जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण रावत को मोहरा बनाकर इस तरह से जनता के बीच गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है और मुद्दा बनाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जो मानहानि उन्हें हुई है, उसके लिए उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत पर मामला भी दर्ज करवा दिया है। उसमें मैं कह रहा हूं कि प्लीज उपाध्यक्ष जी, मेरा फ्लैट छोड़ दो, ये रेंट का कागज है, इसमें आप साइन कर दो, मेरा घर छोड़ दो। कई समय से देहरादून स्थित फ्लैट में वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमने लीगल नोटिस भी उनको दिए, तीन तीन नोटिस दिए, उन्होंने नहीं छोड़ा। मजबूर होकर के मुझको सेशन कोर्ट देहरादून में 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। आज तक भी वो कब्जा करके हमारे आवास पे बैठे हुए हैं, हम बाहर हैं और वो मकान पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर हमने कहीं गलत कहा है कि हमारा घर छोड़ दो, तो जो सजा कानून के तहत मिलेगी हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु दूसरे के घर पे कब्जा करके बैठ जाना और फिर अपने आप को जो है पाक साफ बताना, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई है। तो क्या अपना घर छोड़ने के लिए क्या बोलना भी नहीं पड़ेगा क्या? रेंट अग्रीमेंट है बाकायदा है, और मेरा घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो क्या ये कम से कम न्याय हमको मिलना चाहिए? हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वही जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली जिला पंचायत के कार्यों के लिए 20% विवेकाधीन कोष का उपयोग ज्यादातर वह अपने पति के विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। वहाँ पे आज की ये जो वार्ता है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वहाँ पे लोगों का भुगतान लगभग दो दो साल से हो नहीं पा रहा, जो ठेकेदार हैं उनका दो दो साल से भुगतान नहीं हुआ, और दो साल से पूर्व में भी जिन लोगों ने काम किया उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। उसमें ठेकेदारों ने बीच में वहाँ जिला पंचायत में तालाबंदी की थी, उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। हमने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते, हमने अध्यक्ष जी को कहा, माने अध्यक्ष जी आप क्या ये मामला क्या है, इन लोगों का आप पेमेंट क्यों नहीं करो, भुगतान क्यों नहीं, इन लोगों के द्वारा काम किया गया है और इनका आप जल्द से जल्द भुगतान कराइए, है ना। लेकिन वो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, उनके पति पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी जी, उनका पूरा हस्तक्षेप जिला पंचायत में है, और वो जिला पंचायत के अधिकारियों को वहाँ बैठ के दबाव बना रहे हैं और लोगों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको ये मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 2013 में जो राज जात हुई थी जनपद चमोली में, उस राज जात में जो भ्रष्टाचार हुआ था उनके द्वारा, जो भ्रष्टाचार हुआ था कामों को लेके, तो उसका सरकार तत्कालीन सरकार ने उसमें जांच बिठाई थी, और जांच में सरकार ने उनको दोषी पाया था कि भाई आपने एक्ट के खिलाफ काम किया है, और दोषी होने के बावजूद भी अभी उनको बचा रखा सरकार ने, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। उनके पति पहले पूर्व में बीजेपी में रहे मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस में रहे मंत्री रहे, और उनका एक पांव बीजेपी में एक पांव कांग्रेस में, दोनों जो उनका हसीब है, और सरकार उनको पूरा पूरा बचाने का काम कर रही है। तो इस मामले में मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेके आप सरकार को कहिए, सरकार के द्वारा भैया आपने ही साबित कर रखा कि भ्रष्टाचार हो रखा जनपद चमोली में, और उसके बावजूद भी आप बचा रहे हैं।